अभी हम पहुंच चुके हैं राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में और आप हमारे पीछे इस समय महिलाओं की भीड़ देख रहे हैं। ये भीड़ है अलग अलग जनपदों से आई हुई महिलाओं की, ये भीड़ है अलग अलग जनपदों से महिलाएं सुबह से यहाँ पर बैठी हुई हैं। अब किस संबंध में बैठी हुई हैं इनसे बात करने के बाद ही पता चलेगा। तो आइए इन लोगों से बात करते हैं कि आज किस मकसद से यहाँ पर एक साथ ये लोग इकट्ठा हुई हैं। तो बात करते हैं लोगों से। जी बताइए। मेरा नाम है किरण देवी, मैं ब्लॉक बैतालपुर जिला देवरिया से आई हूँ और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी से मेरा यही निवेदन है कि हम लोगों को हर ग्राम पंचायत में एक एक बीसी सखी ने उसने चयनित किए, ठीक है, और चयनित किए उसके बाद से उनसे अभिनय निवेदन है कि उसने जो 75,000 मुझे सपोर्ट फंड के रूप में दिए थे उसको पूरी तरह से माफ़ किया जाए। हम बीसी सखियों के इतनी आमदनी नहीं होती है कि उस 75,000 को हम लोग भरपाई कर सकें, और हम लोगों से मुख्यमंत्री जी से ये कहना है कि हम लोगों को जो मानदेय 4,000 महीने 6 महीने मिलने थे उनको बढ़ाकर और हम लोगों को परमानेंट किया जाए जो कि हमारी आजीविका चल सके। हम लोगों को जो डिवाइस दिया गया है वो डिवाइस कोई फ़ायदा नहीं है, डिवाइस से कुछ नहीं हो रहा है। पैसा कैसा डिवाइस है? ये पैसा निकालने के लिए फिनो पेमेंट बैंक से। क्या था इसमें, इस डिवाइस से क्या संबंध है? बैंक गांव में बैंक एक मिनी बैंक है समझ लीजिए, उससे पैसा निकालना और जमा करना है, लेकिन पैसा निकलता नहीं है, कुछ बैंकों का निकलता नहीं है, कुछ का निकलता है तो दिन भर में एक से दो बार, नहीं तो कभी अपडेट कराओ उसके बाद से फिंगर ही नहीं लेता है, बायोमेट्रिक प्रॉब्लम बस यही बताता है। हमको जी हम बाराबंकी जिले से हैं, देवा ब्लॉक से हैं। हमारी हमको जो 75,000 मिला था उसमें तो सारा खर्चा हो गया। अभी हमने खर्चा हुआ है जी जो है 2,000 का, 31,000 की डिवाइस मिली थी, 10,000 का हमने फ़ोन लिया, हमारे पास फ़ोन नहीं था कोई जानकारी लेने के लिए, हमको फ़ोन की भी ज़रूरत पड़ती तो इसीलिए हमने फ़ोन भी लिया, और जो है हमारे 75,000 में से जो पैसा बचा वो हम बीमार हो गए, हमारा उसमें खर्चा हो गया। अब बताइए हम क्या करें, घर से जो 2,000-10,000 होता है उसी में हम लेन देन करते हैं, हमारे पास घर का भी पैसा नहीं है जिससे हम लेन देन कर सकें। कब से हमारा 6 महीने का भी वो जो 4,000 आना था वो भी नहीं आया है, और 75,000 वो 4% के ब्याज से देना था, अब वो हम कैसे दें बताइए। और जो है 10,000 पे 10 रुपए मिलते हैं। अभी क्या कहना है, अभी योगी सरकार से क्या कहना है? जी हमें परमानेंट किया जाए, हमें सरकारी बैंकों से जोड़ा जाए, 75,000 माफ किया जाए, 10,000 तक सैलरी हो जाए जिससे हम बच्चों का अपना। अभी पर मंथ कितना मिलता है आपको? कुछ नहीं मिलता है, सैलरी हम लोगों की नहीं आई है, जो 24,000 आना था वो भी नहीं आया। अच्छा और भी लोगों से बात करेंगे। जी बताइए कब से ये प्रदर्शन आपका चल रहा है? ये मेरा आज सुबह मॉर्निंग से ही चल रहा है। आप कहाँ से हैं? मैं देवरिया जिला से सुंदरम पाठक हूँ, बीसी सखी जी। किस चीज़ को लेकर आप यहाँ पर आई हुई हैं? ये जो मैं हमारी मांगे हैं फिनो बैंक से हटा के हमें सरकारी बैंक से जोड़ा जाए, राष्ट्रीयकृत बैंकों से जोड़ा जाए और फिनो बैंक से हटाया जाए। फिनो बैंक से क्यों हटाया जाए? क्या फिनो बैंक से जब हमको अगर सरकार लोन दे ही है तो हमको अपने हिसाब से नहीं करना चाहिए कि मतलब हमको किस बैंक से लेना है, किस बैंक से लेन देन करना है। फिनो बैंक उसके बाद वो मतलब इसमें बैठे हुए हैं लोग, इस चीज़ को कहे हुए हैं लोग कि मतलब फिनो से ही आपको जुड़ना है, तो ये गलत है ना। नहीं सरकार का कुछ होगा ना कि नहीं, सरकार का ये है जैसे हम लोगों को प्राइवेट बैंकों से जोड़ा गया है, फिनो पेमेंट बैंक है, पेनियर पेमेंट बैंक है, तो हम लोगों को राष्ट्रीयकृत बैंक से जोड़ा जाए यानी सरकारी बैंक से जोड़ा जाए, क्योंकि फिनो बैंक जो प्राइवेट बैंक है उसका कमीशन बहुत कम मिलता है, इसलिए कि हम लोग 10,000 ट्रांजेक्शन करते हैं तो हम लोग को 9 रुपये कमीशन मिलते हैं, और यूपी बड़ौदा बैंक से हम लोग सरकारी बैंक से अगर जुड़े रहेंगे तो उससे कमीशन हम लोगों को 10,000। ये अभी आप डिवाइस देख रहे हैं, ये डिवाइस है जो इसमें लिखा हुआ है 3G, कैमरे के सामने दिखा रहे हैं, ये 3G, ये 3G बताते हैं लोग, बट ये 3G है नहीं, ये 2G है, इसमें बायोमेट्रिक इतना डिस्टर्ब बताता है कभी भी सही से नहीं लगता है, अगर गलती से एक सही लग गया तो मतलब दिन भर की छुट्टी, और उसका हर दो दिन पे अपडेट। मतलब समस्याएं हैं इस डिवाइस के, बहुत ज्यादा समस्या इस डिवाइस के साथ है। ये डिवाइस हमको नहीं चाहिए, हमको लैपटॉप चाहिए, सारे बीसी को लैपटॉप प्रोवाइड करा है। अच्छा लैपटॉप से ज्यादा सुविधाजनक काम हो सकता है? सुविधा है, बहुत ज्यादा सुविधा है। हम देवरिया जिला से हैं और हम इसी, आपको क्या समस्या है इस योजना में? हमारा यही समस्या है कि हम लोग का जो है मानदेय नहीं कभी नहीं मिला है, और जो हम लोग का
अच्छा अभी जो पता चला कि 75,000 उनको मिला, आपको कितना मिला? 75,000 मिला है, उसी में हम लोग का डिवाइस लिया गया है। ये डिवाइस और हमारी 40,000 की है, और 40,000 का है, और यही हम लोग अपने मांग रहे हैं कि हमारा जो 75,000 रुपया है उसको माफ किया जाए, और हम लोग का परमानेंट जो है जो दिया गया है वो हम लोग का दिया जाए 4,000। आप कहाँ से हैं? देवरिया जिला से। जी मेरा नाम कुमारी शोभा है, और मैं यही चाहती हूँ सरकार से, मेरी आपके न्यूज के माध्यम से मेरी आवाज़ सरकार तक पहुँचे, और हमें 75,000 रुपया जो कर्ज के नाम पे दिया गया उसे माफ़ किया जाए। और दूसरी बात है कि मेरे विभाग के जितने महिलाएं हैं उनको गवर्नमेंट किया जाए और परमानेंट किया जाए। अभी आप लोग कितने जनपदों से हैं? हम लोग 75 पूरे उत्तर प्रदेश के में जितने जनपद है सारे जनपद से यहाँ पे बैठे हुए हैं लोग, सारे बीसी बैठे हुए हैं लोग। मैं संगीता देवी ब्लॉक तरकुलवा से और जिला देवरिया से हूँ, और हमसे सरकार से माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ से निवेदन है कि हमारी मांग को पूरी करें, जिसमें कि पहला है कि जो 75,000 सपोर्ट फंड है उसे माफ़ करें, और हमारे जो सैलरी है जितना भी है उसे परमानेंट करें, नियमित करें उस सैलरी को, और जो भी मतलब हमारे पे लगा है जो हमारा स्थान दिया गया उसे सुनिश्चित किया जाए। अच्छा, इसमें स्थान भी है? हाँ, जिला पंचायत। आपका क्या स्थान है इसमें? जिला पंचायत में हमको सचिवालय में बैठने को जगह दिया गया जो कि अभी नियमित नहीं मिला है, उसे एकदम पंचायत भवन पे सुनिश्चित इसके लिए हाँ शासनादेश 100% पालित किया जाए। हम सुनीता वर्मा बलिया जिला से हैं, सीयर ब्लॉक से, और जो हम लोग को सरकार 75,000 लोन दी है वो 4% ब्याज की दौर पर मांग रहे हैं। कितना लोन मिला आपको? 75,000। 75,000। और जो है कि हम लोग को पेनियर बाई बैंक से जोड़ा गया है, उसमें भी जो 10,000 हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसमें 10। कब से जुड़ी है इस योजना से? इस योजना से दो साल हो गया। दो साल में मतलब सिर्फ आपको 75,000 मिला है? हाँ, और 4,000 मंथली मिला है 6 महीना, और वो जो है कि 6 महीना मिला, हम लोग परमानेंट चाहते हैं कि सैलरी मिले, और जो मिलता है ट्रांजेक्शन करने में 9 रुपया 10 रुपया ट्रांजेक्शन में मिलता है 10,000 रुपये का, उसमें भी डिस्ट्रीब्यूटर पर 25% काट लेता है, तो हम लोग को बैंक कुछ फायदा नहीं होता है। हम बैंक पे जाते हैं और पैसा लेके आते हैं, फिर हम ट्रांजेक्शन करते हैं, तो हमारा क्या कुछ फायदा नहीं होता है। मैं कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि इस पूरी एरिया में कैमरा दिखाएं, यहाँ पर जो बीसी से जुड़ी जो सखियाँ हैं वो यहाँ पर सभी सखियाँ मौजूद हैं, अलग अलग जनपदों से आई हुई ये महिलाएं हैं जो सुबह से धरना प्रदर्शन कर रही हैं, सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कोशिश कर रही हैं। हमेशा योगी सरकार महिलाओं की सुरक्षा सम्मान और हक की बात करती है, आज उसी हक के लिए महिलाएं यहाँ पर अलग अलग जनपदों से आकर अपने परिवार को छोड़कर अपने बच्चों को छोड़कर सुबह से यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रही है, योगी सरकार से अपने हक के लिए मांग कर रही है। तो आज यहाँ पर उन सभी महिलाओं से बात कर रहे हैं जो अपने हक के लिए आज सुबह से यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रही हैं। जी बताइए, किस संबंध में ये आपका प्रदर्शन चल रहा है? मेरा प्रदर्शन, पहले सर्वप्रथम मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, हमारी बीसी सखियों का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो हमारे धरना स्थल पर मौजूद हुई हैं। हमारा जो प्रदर्शन है वो हम बीसी सखियाँ हैं जो राज्य सरकार के तहत नियुक्त की गई हैं, जो हमारी नियुक्ति 2021 में हमारा नियुक्ति हुआ था, और तब से जाकर अब तक हमें सिर्फ मतलब कोई सुविधा नहीं मिल रही है, हमें पार्टनर बैंकों की ऐसी जानकारी सामने है कि 75,000 रुपये दिए गए फिर पर मंथ भी रुपये मिले हुए हैं? नहीं, हाँ, हमें 75,000 रुपये पहले सपोर्ट फंड के रूप में दिए गए, और फिर 2 महीने के बाद उसी के लिए आदेश जारी कर दिया गया कि अब उस पर 4% ब्याज लगेगा अब, और उसके बाद में हमें शुरुआत में ही बताया गया था कि आपको 6 महीने मानदेय मिलेगा और उसके बाद में आपको कमीशन पे काम करना होगा, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हमें पहले यह नहीं पता था कि कमीशन हमारा इतना कम होगा कि हम अपने बच्चों का रोज चॉकलेट या टॉफ़ी का खर्चा नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो उसको लेकर हमारा ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, हम सरकार से मतलब गुजारिश कर रहे हैं, हाथ जोड़कर गुजारिश कर रहे हैं कि महोदय माननीय आदित्यनाथ योगी जी, आप हमारा जो 75,000 आपने हमें काम करने के लिए दिया था उसमें से 32,000, 37,000, 39,000 रुपये की हमें पार्टनर बैंकों ने हमें डिवाइस उपलब्ध करवा दिया, बाकी का जो पैसा हमारे पास 30-32,000 बचा है उसमें हम रोज़ बैंक जाकर 30-32,000 निकाल कर लाते हैं, 10,000 पे हमें 8 रुपये, 12 रुपये, 11 रुपये, 7 रुपये का कमीशन आपके पार्टनर बैंक हमें दे रही हैं, वो हम 30-32,000 रुपये 3 ट्रांजेक्शन में उसको हम ख़त्म कर देते हैं, फिर से हम जाते हैं बैंक, वहाँ से हम फिर से पैसे लेकर आते हैं, एक बार बैंक जाने में कम से कम 20-25 रुपये खर्च हो जाते हैं रिक्शा का। कहाँ से आप? मेयरपुर ब्लॉक से है, सोनभद्र से। जी,
आप महिलाओं के साथ ही आए हैं? जी महिलाओं के साथ। आप इस योजना के साथ? जी जी विशेषज्ञ के संबंध में है। ठीक है, आप क्या क्या पद है इस योजना में? इस योजना में यही बताना चाहता हूँ सर कि देखिए विशेषज्ञ परेशान है, 75,000 जो रुपये मिला है, 37,760 रुपये का डिवाइस मिला है, वो भी डिवाइस खराब है। मतलब सबको मिली खराब? हाँ, डिवाइस खराब है। कुछ तो ऐसी होंगी डिवाइस ना सही होगा? कोई सही नहीं है, मैं बता रहा हूँ कोई सही नहीं है। क्योंकि बताइए 37,760 रुपये का मैं 2 लैपटॉप लेके चला सकता था, किस हिसाब से मेरे 37,760 रुपये लिए हैं? इसके अलावा फ्री में? हाँ, उसका आईडी तो फ्री मिल रहा है। आईडी मैंने कल बात किया, 800 में मुझे आईडी मिल रहा है, रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर की मिल रहा है। ठीक ना, उसमें बोले कि आप डिस्ट्रीब्यूटर के ले लीजिए, आपको जब 3,000 ट्रांजेक्शन करेंगे तब 11 रुपये मिलेगा। मैं बोला तब बिजनेस की चलाना बेकार है। मतलब समस्या काफ़ी है इस योजना में? समस्या काफ़ी है। ठीक ना, अभी आप क्या चाह रहे हैं? अभी मैं यही चाह रहा हूँ कि जो 75,000 बीसी सखियों को दीदियों को मिला है वो पूरी माफ़ हो जाए और आजीवन 60 साल तक सैलरी मिले 10,000 रुपया परमानेंट, तब तो ये करेगी। इस योजना में सखियों के साथ जुड़े हुए हैं, किस पद पर हैं आप? मैं प्रदेश महासचिव हैं, आप संस्थापक जी हैं जी, उदय मिश्रा जी। आप सभी मीडिया बंधुओं का अभिनंदन मंदन करता हूँ। ये हम लोगों की मांगें यही हैं कि जो 75,000 दिया गया था जी, उसमें ऐसे ऐसे बैंकों को जोड़ा गया, जैसे फेना बैंक है, लूना कोई बैंक है, एयरटेल बैंक है, जिन बैंकों को कोई जानता भी नहीं, ग्रामीण में ऐसे ऐसे नाम दिए हैं, प्राइवेट बैंक को जानता भी नहीं। अभी आप क्या चाह रहे हैं सरकार? हम चाह रहे हैं सरकार से कि हमें राष्ट्रीयकृत बैंक से जोड़ा जाए, कमीशन हमारे बढ़ाया जाए, विशेषज्ञों का मानदेय मिले, और जो हम लोग अभी तक का मानदेय, बहुत से बानों का मानदेय नहीं मिला है, 2-4 बानों का मिला है, वो मानदेय पूरा किया जाए, और सरकार जो है हमारे को वो डिवाइस वापस लेकर के बीसी बानों को लैपटॉप दे, ताकि सहज जन सेवा केंद्र के जैसे बीसी बने गांव में काम कर सकें। ये धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा? फिलहाल तो आज प्रशासन के द्वारा हमें आश्वासन मिला है कि बहुत जल्द हमारी 5 सदस्यीय टीम माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करेगी, तो उसी आश्वासन को मान करके आज का धरना प्रदर्शन आज यहीं पे समाप्त किया जाता है। लेकिन एक कड़ी चेतावनी के साथ में, यदि हम लोगों को गुमराह किया गया, हम लोगों को बोला गया कि आपको मिलाया जाएगा, आपकी समस्याओं का समाधान होगा, उसके बावजूद भी नहीं हुआ, तो इससे बहुत ज़्यादा विशाल धरना प्रदर्शन होगा, फिर चाहे मुझे लखनऊ की सड़कों पर क्यों ना उतरना पड़े। अच्छा, इस संबंध में कोई शिकायत पत्र या ज्ञापन दिया गया है? पहले से दिए जा चुके हैं, हर जिले में किस अधिकारी को, जिला अधिकारी को, और सब ज्ञापन हमारी बहनों ने दिए हैं, ब्लॉक स्तर पे भी बताया गया है, यहाँ तक है कि लखनऊ में आकर के माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी को भी हमारी बहनों ने आकर के ज्ञापन दिया। के बाद कोई इस पर कार्रवाई? कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। हम लोगों का यही कहना है कि जो बहनें ये जिम्मेदारी जो दी गई है, इसके साथ साथ में इनका जो मानदेय है, कम से कम वो मानदेय परमानेंट दिया जाए, और जो 75,000 रुपया दिया गया था उसमें जो इनको साथ में वो लैपटॉप, हाँ डिवाइस जो दे दी गई है उसमें ज़्यादा पैसा लिया गया है, 40,000 की डिवाइस कहीं 35,000 ऐसे लगा करके 33,000 रुपये बहनों को केवल मिला है हाथ में, बाकी उससे जोड़ दिया गया, उससे कोई काम ही नहीं चल रहा है। तो यही कहना है सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग यही निवेदन कर रहे हैं, चूँकि उनके द्वारा ही 2 साल पहले योजना या 3 साल पहले चलाई गई है, नारी शक्ति हाँ उन्हीं के द्वारा है, तो ये नियमित मानदेय दिया जाए, जो भी दिया जाए, जो सरकार चाहे वो उतना नियमित मानदेय दे, हमारी बहनों को राष्ट्रीयकृत बैंकों से जोड़े, ताकि इनका भरण पोषण कायदे से हो सके। योगी आदित्यनाथ हमेशा महिलाओं के सम्मान की बात करते, आज वही देवियां वही महिलाएं सड़कों पर बैठने के लिए मजबूर हो गई है। फिलहाल इनका धरना प्रदर्शन चल रहा है, कब तक धरना प्रदर्शन चल रहा है ये समय आने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल इस मामले में ज्ञापन सौंपा गया है, शिकायत पत्र दिया गया है, इस पर सरकार क्या कार्रवाई करती है आने वाला समय बताएगा। कैमरा पर्सन पूजा के साथ मैं मधुमिता वर्मा, इंडिया 24 सावन लाइव टीवी।